दूसरा एग्जाम्पल देखिए HCl, जो कि किसका एग्जाम्पल है, कोवेलेंट बॉन्ड का। अब देख लीजिए HCl क्या करता है, देखिए हाइड्रोजन जो है वो है 1, क्लोरीन तो हमें पता ही है कितना है, 287। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलते हैं तो हाइड्रोजन कहता है यार मुझे तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन कहता है यार मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे साहब? इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये हाइड्रोजन बैठ जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। और क्लोरीन, हमेशा याद रखिए बच्चे, कंफ्यूजन नहीं करनी, जब भी शेयरिंग होती है तो शेयरिंग में ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कंसिडर नहीं किया जाता। तो Cl जो है वो अपने बाहर वाले, अंदर वाले नहीं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे सजा देगा। सैम समझ आया? हाँ H को क्या फायदा हो गया, हाइड्रोजन को क्या फायदा हो गया? यार, उससे दो इलेक्ट्रॉन मिल गए और क्लोरीन को भी आउट ऑफ शेल में एक हो गया। बहुत बढ़िया। श्रेया जी कुछ समझ आ रहा है? तो हाँ सर। हाइड्रोजन भी खुश हो गया, ये देखिए हाइड्रोजन भी खुश हो गया, हाइड्रोजन भी खुश हो गया, क्योंकि अब वो दुनिया को बोल सकता है कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन भी दुनिया को बता सकती है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। मित्रों नेक्स्ट वन में आया, समझ तो जो हमने यहां से नियॉन जो है उस सॉरी नोबल गैसेस जो है उन्होंने हमें जो समझाया था, नोबल गैसेस ने हमें क्या समझाया था कि भाई हमारे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो ऑक्टेट वाला फॉलो करते हैं, और वो हमारा एक ही भाई है जो सबसे छोटा भाई है, ये हीलियम, जो दो इलेक्ट्रॉन रखता है। और दूसरे जो है हम ऑक्टेट वाला रूल फॉलो करते हैं जिसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सैम समझ आया नहीं यार? समझ तो अगर आप HCl देखेंगे, अगर आप HCl देखेंगे तो ये देखिए, ये दो वाला रूल है, दो वाला रूल, और ये जो है ये 8 वाला रूल, 8 वाला रूल। याद रखिए, मैं बार बार आपको बोलता जा रहा हूँ, याद रखिए 2882, 27, 282, 26, प्लीज याद रखिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, एटलीस्ट 10th क्लास तक, उसके बाद हर तरह का उल्टा सीधा काम होता रहेगा। आउटर मोस्ट शेल जो है उस पे फोकस करना है, अंदर क्या हो रहा है उस पे फोकस नहीं करना। नहीं समझ में आ रहा? समझ गया सर। अंदर क्या है उस पे फोकस नहीं करना। मित्रों को डाउट? नो सर। तो जो भी बाकी एग्जांपल्स रह गए वो किए जाएंगे, बट अगर आप ये लेक्चर देख लेंगे, ये वाला लेक्चर आप देख लेंगे, तो काफी जो बॉन्ड्स हैं आपके, जो 10th क्लास का भी काफी पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सैम समझ आ गया? समझ बढ़िया, डिटेल में 1 घंटे का लेक्चर है, अच्छी तरह समझाया गया इसमें। तेरा जी कोई दुख क्लेश वेर नहीं, वेर ना, ठीक नो सर। है, बढ़िया। छुट्टी इंजॉय कीजिए, फ्रेश होके आइए, फिर काम शुरू करते हैं, ठीक है।